वरुण की अभी हाल ही में शादी हुई थी और उन दोनों के कॉलेज फ्रेंड राहुल और रश्मि भी अपने सेकेंड हनीमून का प्लान कर रहे थे। तो दोनों कपल को एक अखबार के जरिए एक रिजॉर्ट का पता चला। और इस वक्त उनकी कार एक रिजॉर्ट के सामने खड़ी थी। चारों उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस। यकीन नहीं होता इतने कम प्राइस में ऐसे रिजॉर्ट में रहने का मौका मिल सकता है। हाँ, सच कहा यार, बहुत खूबसूरत है। चारों ने उसकी तारीफ की और फिर कार पार करके अंदर चले गए। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने उनको देखते ही वेलकम किया। वेलकम टू क्रिस्टल रिजॉर्ट, माय नेम इज माधवी, हाउ मे आई असिस्ट यू? वी आर मिस्टर एंड मिसेज शर्मा एंड दे आर आवर फ्रेंड्स मिस्टर एंड मिसेज कुमार। हम लोगों ने यहाँ दो कमरे बुक किए थे। जी सर, एक मिनट। कहकर उसने दो कमरों की चाबियां निकाली और उनको देते हुए बोली, यहाँ से सीधे जाइए, सेकंड फ्लोर पर आप दोनों के रूम्स हैं, रूम नंबर 112 एंड 113। उन चारों को यह बात बड़ी अजीब लगी कि उसने उनसे कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा और ना ही कुछ और पूछा, सीधे उनको कमरों की चाबियां थमा दी। उसके बाद वो चारों सेकंड फ्लोर पर गए। और फिर अपने अपने कमरों में दाखिल हुए। उनको उनका कमरा बहुत पसंद आया। फ्रेश हो जाने के बाद राहुल और रश्मि बैठकर बातें करने लगे और फिर रश्मि ने राहुल से कहा, राहुल तुम डिनर के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। कहकर रश्मि वॉशरूम में चली गई और राहुल ने टेलीफोन उठाकर रूम सर्विस को कॉल लगाया। रश्मि वॉशरूम में गई तो देखा कि वो काफी बड़ा था। वो वॉश बेसिन के सामने जाकर मुंह धोने लगी। अभी उसने पानी के दो तीन छक्के अपने मुंह पर मारे ही थे कि उसको महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुंह उठाकर आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे नीली साड़ी पहने एक लंबे बाल वाली लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और गुस्से भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। वो चिल्लाई और पीछे पलटी। उस भयानक दिखने वाली लड़की ने उसका गला पकड़ लिया और उसको सामने जमीन की तरफ धक्का दे दिया। रश्मि चिल्लाई और अपने सर पर हाथ रखते हुए खड़ी हुई तो वो लड़की अचानक से गायब हो गई। रश्मि अब और ज्यादा डर गई और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, वॉशरूम की लाइट बंद हो गई और उसकी चीख वॉशरूम में ही दबकर रह गई। रूम में बैठा राहुल अब देख रहा था कि रश्मि को काफी देर हो चुकी है और अभी तक वो ऑर्डर भी नहीं आया। रश्मि, क्या हुआ डार्लिंग, अरे कहाँ रह गई? उसने कहा और फिर वॉशरूम का दरवाजा खोला। रश्मि अपनी गर्दन झुकाए उसकी तरफ आई और बेड पर उसके पास बैठ गई। राहुल ने नोटिस किया कि रश्मि अपना सर नीचे झुकाए हुए है और कुछ बोल भी नहीं रही। रश्मि, आर यू ओके? कहते हुए उसने जैसे ही रश्मि के कंधे पर हाथ रखा तो कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। ये क्या हुआ, अरे कोई है? कहते हुए वो जैसे ही बेड से खड़ा हुआ तो लाइट अपने आप जल उठी। उसने देखा कि रश्मि के ठीक बराबर में वही भयानक लड़की खड़ी है और उसको घूर रही है। रश्मि उठो, कहकर उसने रश्मि का हाथ थाम कर उसको उठाना चाहा
और जैसे ही रश्मि ने उसको देखा, राहुल फिर से चिल्ला उठा। रश्मि का मुंह सफेद पड़ा हुआ था और आंखें लाल चमक रही थी। अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे राहुल, हम यहीं रहेंगे, कहकर रश्मि उसको घूरने लगी और वो लड़की धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वो जाम हो गया और खूब ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुला। राहुल फिर से पीछे मुड़ा, वह लड़की उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके हाथ में अब एक तेज धार चाकू था। उस लड़की ने राहुल की गर्दन पर चाकू फेर दिया और उसकी गर्दन से खून निकलने लगा। वह जमीन पर गिर कर तड़पने लगा और वह भयानक लड़की बोली, क्रिस्टल रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। दूसरी तरफ वरुण और श्वेता फ्रेश हो चुके थे और काफी देर से बातें कर रहे थे। राहुल और रश्मि तो रूम से बाहर ही नहीं निकले, मुझे लगा था कि हम साथ में डिनर करेंगे। अरे तुम ऑर्डर तो करो, मैं फिर उन दोनों को बुलाकर लाती हूँ। श्वेता अभी कह ही रही थी कि रूम का दरवाजा अपने आप खुला और वही भयानक दिखने वाली लड़की हाथ में ट्रॉली खसकाती हुई अंदर आई, लेकिन उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। आपका डिनर तैयार है सर। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और वरुण बोला, हमने तो अभी ऑर्डर किया ही नहीं है, फिर ये किसे पूछ कर लाए हो? आप इसको खोल कर देखिए, ये खाना आपको बहुत पसंद आएगा। सुनकर श्वेता ने जैसे ही डिश का ढक्कन उठाया, उसमें रखा कच्चा मांस देखकर दोनों चौंक पड़े और वरुण ने खड़े होकर झटका मारकर वह जमीन पर गिरा दिया। ये क्या बकवास है, तुम हमें कच्चा मीट खिलाने वाली हो? सुनकर उस लड़की ने जैसे ही ऊपर गर्दन उठाकर उन्हें देखा, दोनों की उसको देखकर डर के मारे चीख निकल गई। क्रिस्टल रिजॉर्ट में आपका स्वागत है, खाना शुरू कीजिए, कहकर वो हंसने लगी। उन दोनों की डर के मारे कपकपी बढ़ गई और दोनों चिल्लाते हुए कमरे से निकलकर बाहर भागे और फिर राहुल और रश्मि के कमरे में चले गए। वहां उनको दोनों में से कोई नजर नहीं आया तो वो और ज्यादा डर गए। तभी वरुण की नजर उस खून पर पड़ी जो कि कमरे से होते हुए वॉशरूम की तरफ जा रहा था। उसने श्वेता का हाथ थामा और हिम्मत करके वॉशरूम में गया तो देखा कि वहां राहुल और रश्मि की लाश पड़ी हुई है। श्वेता ने चिल्लाते हुए कहा, वरुण प्लीज जल्दी से यहाँ से चलो वरना हम भी मारे जाएंगे। उसकी बात सुनकर राहुल उसके साथ जल्दी से वहाँ से निकला और वो बहुत बुरी तरह डरी हुई हालत में वापस रूम में गए तो वहाँ राहुल और रश्मि की आत्मा उनको खड़ी हुई नजर आई और वो दोनों साथ में ये बोल रहे थे, अब तुम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकते, अब हम सब यहीं रहेंगे, हमेशा इसी रिजॉर्ट में। कर वो दोनों भयानक अंदाज में हंसने लगे और श्वेता और वरुण भागकर वहां से निकले। बाहर उनको माधवी खड़ी हुई नजर आई। अरे क्या बात हो गई सर, आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आपके इस रिजॉर्ट में कोई आत्मा है, हमारे दोनों दोस्तों को वो मार चुकी है और हमें भी मारना चाहती है। तभी श्वेता को महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी और ने पकड़ा है। उसने देखा तो वही लड़की थी। श्वेता! वरुण चिल्लाया, लेकिन उसने श्वेता को छोड़ा नहीं और उसको तेजी से कमरे में घसीट कर ले गई। उसके बाद उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वरुण बाहर से दरवाजा पीटने लगा लेकिन वह उसको खोलने में नाकाम रहा। अंदर श्वेता अकेली खड़ी खुद को बचाने के लिए रो रही थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, आखिर तुम हो कौन और क्यों हमें मार रही हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं प्रियंका हूँ, आंखों में कई सपने लिए मैंने 2 साल पहले इस रिजॉर्ट को खोला था। चाहती थी कि ये बहुत अच्छा चले, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी महीनों महीनों यहाँ कोई नहीं आता था, यह हमेशा खाली पड़ा रहता।
फिर मैंने परेशान होकर कसम खाई कि अब जो भी इस रिजॉर्ट में आएगा मेरी आत्मा उसको यहाँ से वापस नहीं जाने देगी। सब आत्माएं बनकर इसी रिजॉर्ट में हमेशा के लिए रहेंगी। और इसी चाकू से आत्महत्या कर ली। इतना कहकर वो चुप हो गई और फिर उसके पीछे वो सभी आत्माएं खड़ी नजर आने लगी जो कि अब यहाँ रुकने के लिए आए थे। उनमें राहुल और रश्मि भी नजर आ रहे थे और वो सब एक साथ श्वेता की तरफ बढ़ रहे थे। श्वेता बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगा और बार बार उनकी तरफ भी देख रही थी। अचानक से उसका हाथ प्रियंका ने पकड़ा और फिर उसको अपनी तरफ घुमाकर उसके बाल पकड़ लिए। फिर एक जोरदार चाकू का वार उसकी गर्दन पर करके उसको वहीं खत्म कर दिया। अचानक से दरवाजा खुला और श्वेता की बिना गर्दन वाली लाश उससे बाहर आकर गिरी। प्रियंका उस लाश के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर वरुण चिल्लाता हुआ वहां से बाहर की तरफ भागा। उससे फिर से माधुरी टकराई और वो बोला, माधुरी सबके सब मर चुके हैं, उसने सबको मार दिया और वो कह रहे हैं कि अब हमेशा यही रहेंगे, जल्दी से तुम भी यहाँ से भाग चलो। सुनकर माधुरी मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सही तो कह रहे हैं वो, अब से तुम सब यही रहोगे हमेशा। प्रियंका मैम का ये रिजॉर्ट कभी खाली नहीं रहेगा। कहकर वो भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। वरुण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो पूरी ताकत से उसको थामे हुए थे। वरुण ने देखा कि प्रियंका सामने से धीरे धीरे चलती आ रही है। वही चाकू अपने हाथ में लिए उसने ताकत लगाकर माधवी को धक्का दिया और खुद को छुड़ा लिया। फिर मेन डोर की तरफ भागने लगा। प्रियंका चेहरे पर गुस्सा लिए माधवी के पास पहुंची। हमारे रिजॉर्ट में आए गेस्ट का तुम ध्यान नहीं रख सकी, वो यहाँ से भागा कैसे? सुनकर वो डर गई और बोली, प्रियंका मैम मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग गया। सुनकर प्रियंका ने देर नहीं की और एक जोरदार वार करके उसकी भी गर्दन उड़ा दी। वरुण हड़बड़ी में डरता हुआ मेन डोर तक पहुंचा लेकिन उसके उस तक पहुंचने से पहले ही वो अपने आप बंद हो गया। रिजॉर्ट की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। और प्रियंका उसके एकदम करीब पहुंच गई। कुछ दिन बाद वाव, कितना प्यारा रिजॉर्ट है। वो दोनों जब रिजॉर्ट के अंदर गए तो उनको रिसेप्शन पर वरुण खड़ा हुआ नजर आया। क्रिस्टल रिजॉर्ट में आपका स्वागत है, हाउ मे आई असिस्ट यू? हाहाहाहा